सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर दोस्तों, एंड आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला दोस्तों कि आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने रुपये के इन्वेस्ट कराना चाहते हैं तो फिर आपको दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों के लिए जुलाई महीने में क्या अपडेट लेकर के आया है और जुलाई महीने में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने ग्राहकों को देने वाला है। सो दोस्तों, एंड साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्पेशल एफडी प्लान है उसमें यदि आप अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, एंड दोस्तों जनरल पब्लिक को कितना मिलेगा, सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा, एवरीथिंग आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट में आप लोग को बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दो। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं मैं यहां पे बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लिया हूं। सो आपको करना है क्या, आपको क्लिक करना है फिक्स डिपॉजिट लेवल में। दोस्तों आप फिक्स डिपॉजिट लेवल में क्लिक करने के बाद आपका जो एफडी का टेबल है वो टेबल ओपन हो जाएगा। दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने 12 जून 2024 को अपने ग्राहकों के लिए एफडी में बदलाव किया है। सो दोस्तों, एंड क्या किया आज की इस वीडियो में मैं जानने वाला हूं। सो दोस्तों, एंड आप यदि 7 दिन से 14 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 4.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 4.75% सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर दोस्तों आप देख सकते हैं आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में अपने रुपये के इन्वेस्ट करते हैं कम टाइम के लिए 7 से 14 दिन के लिए मात्र, इसमें आपको 4.25% एंड 4.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों, जो कि दूसरा बैंक कोई भी बैंक में आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरुआत में नहीं देती है। सो दोस्तों, एंड उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप यदि 15 दिन से लेकर के 45 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 4.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 5.00% सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। आप मान लीजिए 46 दिन से लेकर के 90 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6.00% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 6.50% सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सो दोस्तों, एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप मान लीजिए 91 दिन से लेकर के 180 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते तो 5.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को एंड 6.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सो दोस्तों, एंड उसके नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप मान लीजिए 211 दिन से लेकर के 270 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर 6.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को एंड 6.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिलेगा। सर दोस्तों, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप मान लीजिए 271 दिन से लेकर के 1 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 6.75% सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सर दोस्तों, एंड उसका नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ जो कि है 360 डेज का। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में 360 डेज का आप यदि फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 7.10% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 7.60% रेट ऑफ इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन को मिल जाएगा। सर दोस्तों, एंड उसका नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप मान लीजिए अबाउ ऑन एयर टू 400 डेज, यानी कि दोस्तों आप यदि 1 साल से लेकर के 400 दिन का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं या फिर आप मान लीजिए 400 दिन से लेकर के आप 2 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो 6.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 7.35% सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सर दोस्तों, एंड उसके नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप मान लीजिए अबाव 3 ईयर्स एंड अप टू 5 ईयर्स, यानी कि दोस्तों आप यदि 3 साल से लेकर के 5 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर जनरल पब्लिक को मिलेगा 6.50%, लेकिन दोस्तों आप यदि सीनियर सिटीजन हो, चाहे आपका घर में यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके नाम से इन्वेस्ट कराइए जिससे आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सो दोस्तों, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आप यदि 5 साल से लेकर के 10 साल का फिक्स डिपॉजिट कराते हैं तो फिर आपको 6.50% जनरल पब्लिक को मिलेगा एंड 7.50% सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों, एंड उसके नेक्स्ट यहाँ पे है जो कि 399 डेज का स्पेशल एफडी प्लान, जो कि
बड़ौदा तिरंगा प्लस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं और जा कर के यदि आप बोलते हैं यदि कि मुझे स्पेशल एफडी प्लान के बारे में जानकारी दीजिए, तो फिर आपको 399 डेज का ही बारे में आपको जानकारी देगा और 399 डेज का ही बारे में आपको बताएगा, जो कि आप देख सकते हैं 7.15% जनरल पब्लिक को एंड 7.65% सीनियर सिटीजन को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। सर दोस्तों एंड आप यहां पे देख सकते हैं, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 399 डेज का, तो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। सर दोस्तों 399 डेज का जो स्पेशल एफडी प्लान है उसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 1,00,000 रुपया, तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट कितना मिलेगा वो यहाँ पे मैं एफडी का कैलकुलेटर ओपन करके आप लोग को दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। सो दोस्तों एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एफडी का कैलकुलेटर ओपन कर लिया हूँ और एफडी का कैलकुलेटर ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं 1,00,000 रुपया लिख दिया। दोस्तों आप यदि जनरल पब्लिक हो और आप यदि बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्वेस्ट करते हैं 1,00,000 रुपया, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.15%। तो दोस्तों 7.15% भी लिख दिया हूँ। इतना लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं कैलकुलेटर में क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों कैलकुलेटर में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट है 1,00,000 रुपया, लेकिन दोस्तों आपका मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा 1,08,054.97। यानी कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है वो यहाँ पे आपको दे रहा है 8,054.97। सो दोस्तों एंड ये हो गया आपका जनरल पब्लिक के लिए, और आप यदि सीनियर सिटीजन हो तो आपको जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा वो यहाँ पे आपको देगा 8,636.41। सो दोस्तों एंड आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों एंड अभी भी यदि आपका माइंड में कुछ भी यदि डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। सो दोस्तों एंड वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।